हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बिग बैश लीग T20 के मुकाबले की, जो ये खेला जाएगा पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस सिडनी थंडर्स के बीच में पर्थ के पर्थ स्टेडियम के अंदर 20 जनवरी को शाम के 4:10 पर। और इस मैच का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है सोनी 6 और सोनी लिव ऐप के ऊपर। अगर मैं पर्थ के पिच रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो ये ट्रैक इस साल का सबसे अच्छा बैटिंग ट्रैक है। पिछले मैच के अंदर भली पर्थ स्कॉचर्स जल्दी आउट हो गए, पर पिच बैटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पर्थ अपनी गलतियों की वजह से उस मैच में आउट हुआ, तो वापस इस ट्रैक के ऊपर बैटिंग करना काफी ज्यादा आसान होने वाला है। हालांकि इस पिच के ऊपर स्टार्टिंग में पेस बॉलर्स को भी अच्छे से हेल्प मिलता है। अगर मैं एवरेज स्कोर के बारे में बात करता हूं, वो रहा यहां पे 167, काफी अच्छा एवरेज स्कोर है। और हाईएस्ट रन बनाए थे 212 रन, जो कि पर्थ स्कॉचर्स ने इसी साल इसी ग्राउंड पर बनाया। तो वापस ये ट्रैक बैटिंग के लिए काफी ज्यादा अच्छे होने वाला है। जो भी टीम पहले टॉस जीती है चेज ही करना चाहेगी इस ग्राउंड के ऊपर भी। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्थ स्कॉचर्स की टीम के बारे में। पर्थ की टीम से ज्यादा लोगों ने एक्सपेक्टेशन करी नहीं थी, पर पर्थ की टीम ने काफी अच्छा खेला और टीम काफी अच्छे पोजीशन में खेल रही थी। पिछले दो मैचों के अंदर टीम को लगातार दो हार देखने को मिली, दोनों ही बार वो मेलबर्न स्टार जैसी तगड़ी टीम से हारी है। पर्थ के पास मेन दिक्कत है कि बैटिंग अच्छा कर नहीं पा रही। एक मैच के अंदर वो 100 से भी पहले आउट हो गए, उससे अगले मैच के अंदर वो 141 चेज कर नहीं पाए। पिछले मैच में पर्थ को जीतना चाहिए था, पर पर्थ की बैटिंग बिल्कुल अच्छा खेल नहीं पा रही है। कैमरून बैनक्रॉफ्ट को नंबर 3 के ऊपर लाया, जो काफी अच्छी बात, उन्होंने काफी अच्छी पारी खेली, पर उसके अलावा पिछले मैच में कोई भी अच्छा खेल नहीं पाया। मिचेल मार्श टीम के कप्तान, टीम सबसे अच्छी बैटिंग करे तो वापस से मिचेल मार्श की सब पे निगाह रहने वाली है। अगर मिचेल मार्श अच्छी बैटिंग करे टीम के लिए काफी ज्यादा फायदा होगा। लियम लिविंगस्टोन बिल्कुल भी अच्छा कर नहीं पा रहे। लियम लिविंगस्टोन एक काफी तेज खेलने वाले प्लेयर हैं, पर उनको जिम्मेदारी से खेलना पड़ेगा। लियम लिविंगस्टोन एक काफी अच्छे T20 के प्लेयर हैं, टीम उनसे उम्मीद करेगी कि काफी बड़ी पारी खेल के देंगे टीम को इस मैच के अंदर। कर्टिस पैटरसन को पिछले मैच में डेब्यू करने का मौका मिला, हालांकि वो भी कोई बड़ी पारी खेल नहीं पाया, पर कर्टिस पैटरसन एक काफी अच्छे प्लेयर हैं। अगर वो एक बड़ी पारी खेलेंगे टीम को, टीम के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात होगी। तो जरूर से कर्टिस पैटरसन के ऊपर सबकी निगाह होने वाली। उसके अलावा विकेट कीपर जॉस इंग्लिश को अच्छा खेल के देना पड़ेगा। जॉस इंग्लिश काफी अच्छा खेले पूरे टूर्नामेंट के, तो वापस से जॉस इंग्लिश एक बड़ी पारी खेलने की पूरी पूरी कोशिश करना चाहेंगे। बॉलिंग के अंदर पिछले मैच में मैट कैरी ने काफी अच्छा स्पेल डाला था और 3 विकेट निकाले थे। वापस से मैट कैरी पर जिम्मेदारी होगी कि डेथ में अच्छी बॉलिंग डाल के, उसके अलावा वो काफी अच्छे विकेट भी निकाल के दे। इस टीम में अब तक के बेस्ट बॉलर हैं, उनको बहुत अच्छे विकेट मिल रहे हैं और पावर प्ले में उनको खेलना किसी भी बैट्समैन के लिए बहुत दिक्कत की बात है। वापस से जे रिचर्डसन के ऊपर सबकी निगाह रहने वाली है। फवाद अहमद ने भी काफी अच्छी बॉलिंग करी इस टीम के लिए, वापस से फवाद अहमद में निगाहें होंगी, वो अच्छे विकेट निकाल के दे टीम को। पर्थ के पास एक काफी अच्छा बॉलिंग लाइनअप है, अगर इनका बैटिंग अच्छा खेला टीम के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात होने वाली है। टीम का बैटिंग को अच्छा करना पड़ेगा, बॉलिंग काफी अच्छी इस टीम में। टीम लाइनअप के बारे में पता मुझे लगता है टीम को चेंज करेगा, टीम वही लाइनअप खेलेगा जो कि पिछले मैच के अंदर खेला था। तो आपके लिए ओपनिंग करेंगे लियम लिविंगस्टोन और जॉश इंग्लिश, नंबर 3 पे कैमरून बैनक्रॉफ्ट, नंबर 4 पे मिचेल मार्श, नंबर 5 के ऊपर कर्टिस पैटरसन, नंबर 6 पे टिम डेविड, नंबर 7 पे कैमरून ग्रीन, फिर क्रिस जॉर्डन, फवाद अहमद, जे रिचर्डसन और मैट केली। तो ये टीम होती पर्थ स्कॉचर्स की और पर्थ स्कॉचर्स की टीम ये मैच जीतने की पूरी पूरी कोशिश करना चाहेगी। अब मैं बात करता हूं सिडनी थंडर्स की टीम के बारे में। थंडर की टीम का कैंपेन बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला रहा है, कभी वो बहुत अच्छा खेलते हैं, कभी वो एकदम ही खराब खेलते हैं। पिछले मैच के अंदर टीम की बॉलिंग ने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सिडनी को सिर्फ 76 पर ऑल आउट कर दिया था थंडर्स की टीम ने। तो वापस इस टीम के अंदर भी बॉलिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, इस टीम की बॉलिंग अच्छा खेलने की पूरी पूरी कोशिश करना चाहिए। डेनियल सैम सबसे जबरदस्त बॉलर पूरे सीजन के, पिछले मैच में उन्होंने 3 विकेट निकाल के बताया कि वो तो जबरदस्त प्लेयर है, बहुत ही जबरदस्त लेफ्ट आर्म बॉलिंग करी डेनियल सैम से। पिछले मैच में गुरिंदर संधू को भी अपने पहला मैच खेलना पड़ा इस साल का और बहुत जबरदस्त थी। तो वापस से गुरिंदर संधू के ऊपर सबकी निगाह रहने वाली। गुरिंदर संधू, डेनियल सैम्स ने काफी अच्छी बॉलिंग करी थी पिछले मैच के अंदर। उसके अलावा क्रिस मॉरिस ने भी काफी अच्छी बॉलिंग करी इस टीम के लिए। क्रिस मॉरिस एक काफी अच्छा ऑलराउंडर है और अगर वो इस तरह से बॉलिंग करें तो टीम के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात होने वाली है। एलेक्स हेल्स का फॉर्म काफी ज्यादा बढ़िया रहा है, भले ही पिछले मैच में जल्दी आउट हो गया, पर उसके अलावा एलेक्स हेल्स पिछले कुछ टाइम से काफी अच्छे फॉर्म लगा। वापस इस ट्रैक के ऊपर एलेक्स हेल्स से काफी अच्छी पारी खेल सकते हैं इस ट्रैक के ऊपर। उस्मान खवाजा आउट ऑफ टच लग रहे इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। उस्मान खवाजा काफी क्लासिक प्लेयर है, वो फॉर्म में आएंगे थंडर के लिए काफी अच्छी बात। टीम उम्मीद करेगी कि इस बैटिंग ट्रैक के ऊपर उस्मान खवाजा भी जल्दी से फॉर्म के अंदर आ जाए। उसके अलावा कप्तान कैलम फर्गुसन बहुत कंसिस्टेंट रहे इस टीम के लिए, इस टीम के हाईएस्ट रन स्कोर है। वापस से कैलम फर्गुसन
रन के ऊपर में सेकंड इनिंग रहने वाले हैं। टीम में लाइनअप के बारे में बताऊं, मेरे हिसाब से टीम को चेंज नहीं करेगा, टीम वो लाइनअप खिलाएगा जो कि पिछले मैच में खेला था। तो ओपनिंग करेंगे एलेक्स और उस्मान खवाजा, नंबर तीन पे कैलम फर्ग्यूसन, नंबर चार पे डेनियल सैम्स, नंबर पांच पे एलेक्स रॉस, नंबर छह पे क्रिस मॉरिस, नंबर सात पे जे लैंटन, फिर नेथन मैकेंड्रू, ब्रेंडन डॉगेट, गुरिंदर संधू, लियाम बवे। तो ये टीम हो सकती है आपकी सिंह थंडर्स की, और थंडर की टीम ये मैच जीतेगी पूरी पूरी कोशिश चाहेगी। आप मुझे पोल में बताना मैच कौन जीतेगा, सिडनी थंडर्स ये मैच जीतेगा, पर्थ स्कॉचर्स ये मैच जीतेगा, आप जरूर से बताना मुझे पोल के अंदर। इस मैच की ड्रीम इलेवन टीम आने वाली है स्क्रीन के ऊपर। तो ये एक काफी अच्छा मुकाबले की पूरी पूरी उम्मीद है, पर मेरे हिसाब से ये मैच जीतेगी पर्थ स्कॉचर्स की टीम। पर्थ की टीम होम ग्राउंड के ऊपर काफी अच्छा खेलते हैं, वापस अब होम ग्राउंड अच्छा खेलने की कोशिश करेगी। मेरे हिसाब से पर्थ स्कॉचर्स को एडवांटेज रहेगा इस मैच के अंदर। तो मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद जरूर से आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी जरूर से करना, सब्सक्राइब करना चैनल को इस तरह वीडियो देखने के लिए। हमारी वीडियो का बहुत बहुत थैंक यू, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।